छपरा में एक युवती की अगवा के बाद हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना सारण जिले के परसा थाना अंतर्गत वीर कुंवारी गांव की है, जहां गांव के समीप ही पानी भरे गड्ढे से युवती का शव बरामद किया गया है। मृत युवती की पहचान परसा थाना क्षेत्र के वीर कुंवारी गांव निवासी धर्मेंद्र राय की 18 वर्षीय पुत्री मनीषा कुमारी के रूप में की गई है। परिवार वालों का आरोप है कि बीते दिन उसकी अगवा की गई है, जिसके बाद उसकी हत्या कर शव को पानी भरे गड्ढे में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। मनीषा की मौत कैसे हुई है? मनीषा की मौत, उसको अपहरण कर लिया गया 8 बजे रात्रि में, 9 को और 10 को उसका 11 को उसका पोखरा में लाश मिला, जो गर्दन दाब के हत्या कर दिया गया, बलात्कार किया गया है और हत्या हुआ है। उसको पोखरा में डुबा के गर्दन दाब के आज लाश मिला है 11 तारीख को। हम लोग खोजबीन करते रहे लेकिन मिली नहीं, लेकिन आज लाश मिला। मनीषा कौन हुए आप? मामा। क्या नाम है आपका? हरिनाथ प्रसाद राय। घर? कटसा। थाना? हेल्दी। मनीषा का घर? वीर कुआरी। कौन थाना हो गया? परसा थाना हो गया। लाश कहाँ मिली है? पोखरा में घर से 1 किलोमीटर आगे, पूरा घर से 1 किलोमीटर। तो गायब किस दिन हुई थी? 9 तारीख। 9 तारीख को तो थाना में सनावना दिए थे? नहीं, हम लोग खोज भी मिल जाएगा।